हेलो दोस्त, हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक कंपलसरी प्रोसेस होता है जिसे अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसका प्रोसेस क्या रहता है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में पूरी पूरी अपन बातचीत करेंगे, तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना जिससे आपको लाइफ में जब जरूरत पड़ेगी तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप पहले से ही तैयार हैं। तो दोस्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले है आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाना है। उसके लिए क्या होगा, देखो जैसे ही आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है ना, तो आपको नोटिस भेजा जाता है कि इस तारीख को मेरिट वाइज आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा। तो उसी डेट को आपको जो स्थान बताया गया है वहाँ पर कंप्लीट जो भी आपके डॉक्यूमेंट सारे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे कि आपका फोटो, आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम का जो कॉपी है उस फॉर्म की, आपने को प्रिंट आउट निकाला था वो, ठीक है। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड का भी साथ में रखना, ठीक है ना, जितनी हो सके वो चीज़, ठीक है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, मैरिड है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो मार्कशीट्स है जो भी आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की और जो भी, ठीक है ना, वो सारी सारी आपको मार्कशीट साथ में लेके जानी है। मूल निवास है, ठीक है, तो ये जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। ये लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या आगे का प्रोसेस वहाँ पर क्या रहता है वो बता देता हूँ। वहाँ पर दोस्त आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसके साथ में आपको वहाँ पर लिखा आएगा कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारे सारे डॉक्यूमेंट आपको देख लेना और उसी के अनुसार, ठीक है ना, उनको रखना है, ठीक है। तो आपको अरेंज करना है उसी के अनुसार। अब अरेंज के लिए क्या सिस्टम है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है ना आपके, उन सारे की दो दो फोटो कॉपी करवानी है, ठीक है। दो दो फोटो कॉपी कंप्लीट होने के बाद में आपको उनको अरेंज कैसे करना है, जो उसमें लिखा हुआ है ना उसके अनुसार उनको अरेंज करना है, फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है उस हिसाब से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद में सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, ठीक है, सब पे अपना साइन कर लेना, सभी पे, दोनों को जो दो दो कॉपी है ना सब पे अलग अलग आपने सेट बना दिया, उस सब पे आपको साइन कर लेना है। अब साइन करने के बाद में आपको वहां पर जैसे बुलाया जाता है, जैसे टेबल या रूम नंबर होते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले आपको टेबल नंबर 1 पे जाना होता है, तो वहां पर पहले बुलाया जाता है तब आप वहां पर जाओगे, ठीक है। वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको रोल नंबर वाइज या फिर नाम वाइज दोनों तरीकों से बुला सकते हैं। वहां पर जाएंगे ना आप, तो वहां पर जाने के बाद में आपको जो यहाँ पर सेट बनाए हुए हैं वो उनको देना है, तो वो पहले पहले चेक करेंगे कि सेट अरेंज है कि नहीं है, जो तरीका है उसके अनुसार, ठीक है। नहीं है तो वो लोग भी कोशिश करेंगे अरेंज करने की, ज्यादातर केसेस में आपको वापस दे जाते हैं, बोलो अरेंज करो, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अरेंज करके ही रखना है, और इसके अलावा उसके बाद में प्रोसेस ये रहता है कि वो लोग चेक करते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो आपके कॉपीज है वो दोनों सेम है कि नहीं है, मतलब उनसे मिलान करते हैं, उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आपका नाम देखते हैं, वो सारे सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। तो उनको मिलान करते हैं कि भाई फोटो कॉपी और ये। उसके बाद में आपको बॉडी मार्क्स पूछा जाता है कि भाई आपका जो बॉडी मार्क्स है वो, मतलब आपने एग्जाम के अंदर बताया था वो क्या था। उसका फंडा ये है कि भाई आपने जो बच्चा एग्जाम देने गए था ना, तो उसका उसने वो बताए थे और ये सेम एक नहीं है, मतलब ये फर्क होता है, इस वजह से ये लोग वो सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका आधार कार्ड वगैरह वो सब देखते हैं, डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हो जाते हैं, तो वो आगे आपको भेजते हैं टेबल नंबर 2 पे, ठीक है। वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट और मतलब किसी आप स्टेट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब आपने की, आपको इस स्टेट से दी है, तो आपको वहां पर आपके स्टेट के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, तो वहां पर आपको आपको सोइस फिलिंग दी जाती है, कंप्यूटर ओपन होता है, वहां पर सोइस आप फिलअप कर देते हो। तो वहां पर आपके सोइस फिलअप होने के बाद में जो आपका प्रिंट आउट है वो निकाल के आपको दे देते हैं, और उसके बाद में आप लोग फ्री हो जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर भेज देते हैं या फिर आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो दोस्तों ये पंडा रहता है, कोई लंबा सौड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जागरूक होना बहुत जरूरी है। बच्चे कुछ बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हैं, फिर कभी कभी मौका मिलता है, कभी भी मौका नहीं मिलता है। दोस्तों यार इतनी मेहनत करके अपन गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं और उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अपन फंस जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी से ही ध्यान रखें अपना जो 10वीं 12वीं जो मार्कशीट है उनके अंदर सबसे पहले नाम का ध्यान रखें। कभी अक्षर के अंदर AU ये अक्षर कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ मार्कशीट में होते हैं और कुछ में गायब हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है पहले से ही। आप लोग अगर प्रॉब्लम है तो करेक्शन करवा दीजिए, कुछ लोगों की मार्कशीट फट जाती है तो दोस्तों नहीं निकाल पा दीजिए, कोशिश यही करिए। और अगर है आपके कुछ
काट साठ है, ठीक है ना, तो उसको कोती कोशिश तो आप नहीं निकलवा दीजिए। आज के समय सब कुछ माध्यम आपके पास में है, ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ पर कुछ निकल सकता है लेकिन ऑप्शन, लेकिन दोस्तों पहले से ही प्रिपेयर आप तैयार रहोगे ना तभी सब कुछ होगा। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग अपने अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसका अपन सॉल्यूशन दे भी पाते हैं, उसके नहीं दे पाते क्योंकि इतना जो नॉलेज गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो होता है ना उतना अपन लोग नहीं रख पाते हैं दोस्तों, यही फंडा है, ठीक है ना। अब लोग आप लोग अलग अलग तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछते हो, जितना आ सकता है उतना बता सकता हूँ दोस्तों, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो नहीं है उसके बारे में मैं झूठ मूठ तो कुछ बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप लोग पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कुछ क्वेश्चन मुझे आएंगे, मुझे पता होगा कि इसका ऐसे ऐसे आप कर सकते हो तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्म, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं होगी तो आपको बता दूंगा कि आप अपने जो कार्यालय है, जो आपका मार्कशीट जिस डिपार्टमेंट से है वहां पर जाके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई, ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास के बेल आइकन को दबा दें जिससे और भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आपको पता चले, ठीक है। इसके अलावा दोस्त वीडियो अच्छा लगा लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर ले जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले। तो दोस्त मिलते हैं, जय हिंद।